हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी शानदार मशीनों के बारे में जिनके काम को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को इतना तेजी से काटती है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये मशीन सीधे खड़े पेड़ों को एकदम नीचे से पकड़ती है और इसके फास्ट कटिंग व्हील से इन्हें कुछ ही सेकेंड में अलग कर देती है। ये मशीन इतनी एडवांस है कि ये पेड़ों की रूट्स को हाथों हाथ अलग करके इन्हें एक फिक्स लेंथ में भी काटती जाती है, जिससे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। ये है ट्रक स्पेड, जो कि पेड़ों को रिप्लांटेशन करने की मशीन है। इस मशीन के द्वारा बड़े बड़े पेड़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाया जाता है। इस मशीन में काफी पावरफुल हाइड्रोलिक आर्म्स लगी है, जो कि पेड़ों की जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जमीन में जाती है और पेड़ को बिल्कुल सेफ तरीके से उठा लेती है। फिर ये ट्रक इन्हें दूसरी जगह उठाकर ले जाता है। फिर इनका रिप्लांटेशन करने के लिए इन्हें एक ऐसे ही शेप के गड्ढे में डाल दिया जाता है। ये है कार स्क्रैपिंग। ये काफी खतरनाक प्रोसेस है। इस हाइड्रोलिक मशीन में गाड़ियों को 10 गुना तक कंप्रेस कर दिया जाता है। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें एक हाइड्रोलिक चैम्बर में डाला जाता है। फिर इन पर एक हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ये प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि ये गाड़ियों को अपने रियल साइज से 10 गुना तक कंप्रेस कर देता है। ये है टाइगर स्टोन। अभी तक आपने सिर्फ सड़कों को बनते हुए देखा होगा, लेकिन प्रिंट होते हुए नहीं देखा होगा। ये एडवांस मशीन सड़कों को प्रिंट करती है। इस मशीन के आगे लगे कंटेनर में पड़ी ब्रिक्स को कुछ वर्कर्स के द्वारा जल्दी जल्दी जमाया जाता है और लगातार मशीन को आगे चलाया जाता है। ये मशीन पूरे दिन भर में लगभग 300 स्क्वायर मीटर एरिया को प्रिंट कर सकती है। इस मशीन के अलावा एक और मशीन आती है, जो कि ब्रिक्स को अपनी हाइड्रोलिक आर्म से उठाती है और उन्हें एकदम सही जगह पर लगा देती है। आपको बता दें कि ये सभी एडवांस मशीनें भारत में उपलब्ध नहीं है। ये है फायर फाइटिंग रोबोट्स। ये काफी हाईटेक रोबोट्स हैं, जिनका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। इंसानों के मुकाबले इन रिमोट कंट्रोल रोबोट्स को आग के काफी नजदीक भेजा जा सकता है। ये रोबोट्स काफी पावरफुल हैं और 85 मीटर की दूरी तक प्रेशर से पानी फेंकने में सक्षम हैं। ये रोबोट आग बुझाते समय खुद को भी पानी की शावर से प्रोटेक्ट रखते हैं, ताकि ये खुद भी आग की चपेट में आने से बचे रहें। ये है वुड चिपर मशीन। ये मशीन काफी पावरफुल है। इसमें लकड़ियों को लगातार एक क्रेन होल्डर के थ्रू मशीन में डाला जाता है। ये मशीन काफी फास्ट है और इसे एक ट्रक के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। भारी मात्रा में इन लकड़ियों को क्रश करके इनका पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में पेपर बनाने के लिए किया जाता है। ये है टचेल WB750। ये बहुत ही शानदार मशीन है। गार्डन्स में अक्सर वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर अनवांटेड घास उग जाती है, जो कि दिखने में काफी गंदी भी लगती है और इसे हटाना भी काफी मुश्किल होता है। इसीलिए इस एडवांस मशीन को बनाया गया है, जो कि ट्रैक को काफी आसानी से साफ कर देती है, वो भी काफी स्पीड से। यह है रैप 10। ये भी काफी एडवांस मशीन है, जो कि पौधों को शेप देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गार्डन्स में सभी पौधों को एक जैसा डिजाइन देना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस मशीन की हेल्प से एक साइज को फिक्स करके हजारों पौधों को एक ही शेप में काटा जा सकता है। ये मशीन काफी फास्ट है और इसे ऑपरेट करना भी काफी आसान है। ये है इवेंट क्लीनिंग मशीन। बड़े बड़े इवेंट्स के बाद गार्डन्स में काफी कचरा रह जाता है, जिसे जल्दी से साफ करना भी काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए डिजाइन किया गया है इस एडवांस 3 व्हीलर वैक्यूम क्लीनर को। इसमें आगे की तरफ 2 बड़ी सक्शन ट्यूब्स लगी हैं। ये काफी पावरफुल हैं। ये कचरे को काफी स्पीड से अपने अंदर खींच लेती है और पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा कर देती है। काम पूरा हो जाने के बाद कचरे को अनलोड करना भी काफी आसान है। ये है बर्फ हटाने वाली ट्रेन। बर्फीले इलाकों में अक्सर बर्फबारी के बाद रेलवे ट्रैक्स पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो जाती है। इन्हें ट्रैक से हटाने के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाती है, जो कि काफी तेजी से बर्फ को काटकर ट्रैक को साफ करती है। वैसे इन ट्रेन्स को बर्फ हटाते हुए देखना भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। दोस्तों, आप इन एडवांस मशीन्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इनमें से कौन सी मशीन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।